हेलो गाइस, वेलकम टू द वीडियो। तो आज के इस वीडियो में कुछ नहीं करने वाला हूँ, एक और क्यूब न्यूज़ की वीडियो होने वाली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी थैंक यू कि आप सबने पिछले वीडियो पे इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया। उस वीडियो पे 60 व्यूज़ भी गए और 8 लाइक्स भी आए, लेकिन लाइक हमें अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो उस वीडियो पर जाके जरूर देखना और उस पर लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब भी कर देना मेरे चैनल पर अगर नए हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए बढ़ते अपनी पहली न्यूज़ पे। तो आप मैक्स मार को तो जानते हो, जिसके पास 4.86 का वर्ल्ड रिकॉर्ड एवरेज है, और टीमन कोलोसिंकी के पास भी 4.86 का वर्ल्ड रिकॉर्ड एवरेज है। रिसेंटली मैक्स मार ने एवरेज टाई कर दिया था। तो ये दोनों रिसेंटली अभी मिले थे क्यूबिकल के स्टूडियो में, और इन्होंने काफ़ी सारे शोज भी किए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। काफ़ी मज़ा आया है वीडियो देख के। अगर आप भी देखना चाहते हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख सकते हो। मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि जो मैक्सिमम सॉल्व में थे उसमें टीमॉन ही जीत रहा था। जैसे आप मान लो 5 सॉल्व किए दोनों ने, तो उसमें से टीमॉन 3 सॉल्व जीतता है। मतलब टीमॉन 3 सॉल्व मैक्स से ज़्यादा तेज करता है, लेकिन मैक्स 2 सॉल्व ज़्यादा करता है। तो मेरा ये मानना है कि टीमॉन मैक्स से बेटर सॉल्व करता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपके ओपिनियन कुछ भी हो सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। अब जीपम को तो जानते होंगे, मैं रूबिक्स क्यूब के एल्गोरिथम की बात नहीं कर रहा हूँ। ये एक यूट्यूब चैनल है जिसके 1.25 मिलियन सब्सक्राइबर्स है यूट्यूब पे, आप जाकर देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा चैनल है, मैं तो उसे रेगुलरली देखता हूँ और काफ़ी सारे व्यूअर्स उसे देखते भी होंगे। तो आप जानते होंगे अगर उसे रेगुलर देखते हो कि वो अपना 3x3 यूज़ करता है, जो कि RS3M है, और वो उसने अपनी हिसाब से सेटअप किया और वो क्यूबिकल पे उसे सेल भी करता है। तो अभी रिसेंटली उसने थ्री नए जेपम 3x3 और उसके साथ काफ़ी सारे 2x2, 4x4, 3x3 और 5x5, 6x6, 7x7, ये सारे जेपम क्यूब्स में लॉन्च करती है। तो चलो, फॉरेन क्यूबर्स के बारे में तो बहुत बात होगी, आप कोई से इंडियन क्यूबर की बात कर लेते हैं। तो आप सुकंद कोल को तो डेफिनेटली नहीं जानते हो, मैं गारंटी दे सकता हूँ इस बात की। तो अगर नहीं जानते तो अब जान जाओ, क्योंकि उसने रूबिक्स क्यूब का वर्ल्ड रिकॉर्ड तो नहीं कह सकते, नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया इंडिया का, और वो भी क्लॉक में। क्लॉक वही GE वाली जिसमें क्लॉक सी बनी हुई होती है, तो उसमें उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और तो ये सारी जो चीज़ें हुई थी ये वर्षा क्यूब ओपन कॉम्पिटिशन में हुए थे, और उसी कॉम्पिटिशन में राम ठक्कर भी प्रेजेंट था, जो कि एक इंडियन क्यूबर है, आप जानते होंगे। उसका भी यूट्यूब चैनल में लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बहुत ही ज़्यादा अंडर रेटेड है, बिल्कुल भी सब्सक्राइबर्स नहीं बंदे के, उसे जाके सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो उन्हें सुकंद कोल के क्लॉक का सेटअप बहुत पसंद आया था, तो उन्होंने पूछा था सुकंद कोल से कि वो उसके लिए सेटअप करेंगे। तो सुकंद कोल ने कहा था कि वो 300 रुपीज़ चार्ज करेंगे, और उन्होंने सेटअप भी कर दिया था उनके लिए, और उसे राम ठक्कर ने उसकी वीडियो भी अपलोड की है। तो उन्होंने कहा था अगर किसी और को भी, मतलब किसी क्यूबर जो इंडिया में है, किसी को सेटअप करवानी है क्लॉक, तो वो उसके पास भेज सकते हैं, वो 300 रुपीज़ में सेटअप कर देंगे। तो अगर आपको सेटअप करवानी है GE क्लॉक, तो आप सुगंध कुल को कॉन्टैक्ट जरूर कर सकते हो। तो बस यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना चैनल को और सब्सक्राइब करना। इस वीडियो का लाइक है मैं 11 लाइक्स तो जरूर लाइक करना, क्योंकि लिटरली अभी रात के 1 बजे मैं वीडियो एडिट कर रहा हूँ, तो काफ़ी खुशी मिलती है, तो लाइक कर देना।